हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह के लड्डू गोपाल की ये ड्रेस बनाएंगे। इसमें मैंने बीच में डिज़ाइन डाली है, साइडों में से पत्तियों की शेप दी है और ऊपर से मैंने इसे मोतियों से डेकोरेट किया। ये चार नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है। इसे हम बनाना शुरू करते हैं। बनाना शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दोनों कलर की ऊन ले लेते हैं। क्रीम कलर की ऊन से हम 18 फंदे डालेंगे। वही उसी तरह हम शुरू में नोट ना लगा करके बीच में नोट लगाते हैं, जिससे हमारे इधर साइड में एक्स्ट्रा रह जाता है, जिसे हम साइड का बॉर्डर बनाते हैं। दस नंबर की सिलाई लेंगे। अब हम जैसे नॉर्मल फंदे डालते हैं, वैसे हम 18 फंदे इसमें डाल लेते हैं। हम 18 फंदे डाल लेते हैं। इसमें हमने 18 फंदे डाल लिए। हम शुरू के दो फंदे क्रीम कलर की ऊन से बनाएंगे। दो फंदे मैंने क्रीम कलर की ऊन से बना लिए। फिर हम इसमें अपना दूसरा कलर जोड़ेंगे। इस तरह हम सिलाई को भी पूरा कर लेते हैं। पूरी सिलाई हमारी उल्टी निकलेगी। अब हमने उल्टी सिलाई निकाल ली है। लास्ट में हमने दो फंदे क्रीम कलर की ऊन से उल्टे बना लिए। अब हम सीधी सिलाई में आ गए। शुरू के दो फंदे हम उल्टे ही बनाएंगे, जो हमें क्रीम कलर की ऊन से बनाने हैं। अब हमारी दूसरे कलर की ऊन गाजरे कलर की ऊन है जो लेते हैं। शुरू में हम एक फंदा सीधा बनाएंगे, उसके बाद हम जाली बनाएंगे, ऊन को आगे लेंगे, पहली जाली बनाएंगे, अब ये दूसरी जाली बनाएंगे। दूसरी जाली के साथ हम इस फंदे को भी गिन लेंगे। तो ये हमारे एक करे के दो बाजू के हुए। फिर हम वापस से जाली बनाएंगे, ऊन को आगे करेंगे, ये हमारी पहली जाली। और दूसरी जाली बनाते हुए इस फंदे को गिन लेंगे, पीछे के चार फंदे बना लेंगे, एक दो तीन, और ये चार फंदे हमारे पीछे के हो गए। वापस से हम जाली बनाएंगे। तो पहला फंदा हमने जाली का बनाया और दूसरी जाली बनाने के साथ ये दो फंदे हम गिन लेंगे। तो एक, ये दो हमारे बाजू के फंदे हो गए। वापस से जाली बनाएंगे, ऊन आगे लेंगे, एक जाली बनाई और दूसरी जाली बनाते हुए इस फंदे को गिन लेंगे, जो हमारे आगे का फंदा हो गया। अब ये दो फंदे हैं जो हम क्रीम कलर की ऊन से उल्टे बनाएंगे, ऊन को आगे करेंगे, दो फंदे हम उल्टे बना लेते हैं। इससे हमारी ये सिलाई पूरी हो जाती है, लाइन पूरी हो जाती है। हम उल्टी सिलाई में आ गए। उल्टी सिलाई में शुरू के दो फंदे हम क्रीम कलर की ऊन से बनाएंगे। अब तीसरा फंदा हमको हमारी गाजरे कलर की ऊन से बनाना है। तो एक, अरे जाली का फंदा है जो इस तरह होता है, इसको हम बना लेते हैं, एक दो। इस तरह हम ये जाली के फंदे बना लेंगे, पूरी सिलाई उल्टी निकाल लेंगे। अब हमने उल्टी सिलाई निकाल ली है, वापस से हम सीधी सिलाई में आ गए। शुरू के दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे क्रीम कलर की ऊन से, उनको पीछे ले जाएंगे, हमारी दूसरी कलर की ऊन लाएंगे, उसमें पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे। शुरू में हमने एक फंदा बनाया था, अब हमारे जाली डलने से दो फंदे हो गए। शुरू के दो फंदे बनाए, फिर हम जाली के ऊपर जाली डालेंगे, ऊन को आगे लेके जाली के ऊपर जाली डालेंगे। बाजू के दो फंदे बनाए थे, अब हमारे चार हो गए। एक तो बना लिया, दो तीन, और ये चार। वापस से जाली आ गई। इस तरह हम जाली के ऊपर चार जालियाँ डाल लेंगे, उल्टी सिलाई निकाल लेंगे। अब हमने इसमें चार जालियाँ डाल ली हैं, एक दो तीन चार, उल्टी सिलाई भी मैंने निकाल ली है। अब हम इस अगली सिलाई में हम बाजू बनाते हैं। शुरू के हम दो फंदे क्रीम कलर की ऊन से बनाएंगे, उल्टे बनाने रहते हैं। फिर हमारी गाजरे कलर की ऊन लेंगे, इससे हम शुरू का एक या दो फंदा बना लेते हैं। हमने दो फंदे बना लिए। दो फंदे बनाने के बाद मैंने ये इसमें यहाँ पे ऊन जोड़ ली है, इसमें गाजरे के लिए, जो उसमें फंदे तो बनाने नहीं, साथ लेके चलते हैं उसमें। तो ये तीन चार पाँच और ये छः, छः फंदे हम गाजरे के लिए ऊन के बना लेते हैं।
छठे फंदे हमारे फली का फंदा भी हो जाता है, इसलिए हमारे 8 फंदे आगे के हो गए, 2 क्रीम कलर के और 6 गाजर के। अब हम यहाँ से बाजू बनाएंगे। बाजू बनाने के लिए हम शुरू में गाजर कलर की ऊन को छोड़ देते हैं, क्रीम कलर की ऊन लेते हैं जो हमने नई जोड़ी थी। शुरू के 2 फंदे हम बनाएंगे। पहले फंदे को इस तरह सिलाई पे से उठा के इसके ऊपर से उतार देते हैं, एक फंदा। इस तरह हम इसमें 10 फंदे तो घटा लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 फंदे हो गए हमारे, 11वां ये हो गया। तो अगला फंदा हम गाजरे कलर की ऊन से बनाते हैं, थोड़ा सा हम इसको टाइट बना लेते हैं। बनाने के बाद अब इस क्रीम कलर की ऊन को इसके ऊपर से उतार देते हैं, तो हमारे 11 फंदे घट गए। अब पीछे के फंदे हम बना लेते हैं, 12 बनते हैं हमारे, 4। पीछे के फंदे बनाते हुए हमें क्रीम कलर की ऊन को साथ लेके जाना रहता है। फिर हम 12 फंदे बना लेते हैं। अभी 12 फंदे बना लिए, अब हम दूसरी बाजू घटाएंगे। वही क्रीम कलर की ऊन से शुरू के 2 फंदे बनाएंगे। पहले फंदे को इस वाली सिलाई से उठा के इस पे से उतार देंगे। इस तरह हम इसमें 10 फंदे तो घटा लेंगे, 11 हमारा रह जाता है जिसको हम फिर बाद में घटाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अरे 11 रह गया। अब हमारे आगे 2 ये क्रीम कलर के और 6 फंदे गाजरे कलर के उनके। अब अगला फंदा हम हमारी गाजरे कलर की ऊन से बनाएंगे, ये हमारा हमने बना लिया। अब इस फंदे को इसके ऊपर से हम उतार देते हैं, ये हमारा यहाँ पे बाजू पूरी होगी दूसरी। अब इस ऊन को हम यहाँ पे कट कर देंगे, सिलाई को हम पूरा निकाल लेते हैं। अब हमारी ये दूसरी वाली क्रीम कलर की ऊन से हम इन फंदों को उल्टा बना लेंगे। ये हमारी सिलाई पूरी हो गई है, इस ऊन को हम यहाँ से कट कर देंगे। अब इसमें एक उल्टी सिलाई और 4 सिलाइयाँ और निकाल के हम इस चोली को पूरा कर लेते हैं। अब हमने 5 सिलाई निकाल ली है, हमारी चोली पूरी हो गई है। अब हम यहाँ से घेरा बनाना शुरू करते हैं। घेरा बनाने के लिए हम क्रीम कलर की ऊन से अब 2 सिलाइयाँ निकालेंगे। पहला फंदा हम तो सीधा निकाल लेते हैं, दूसरे फंदे में हमें सभी फंदों को एक का दो करना रहता है। तो पहला फंदा हम पीछे से बनाते हैं, ये दूसरा आगे से बनाते हैं। इस तरह पहला फंदा हम पीछे से, दूसरा आगे से। इस तरह हम इसमें पूरी सिलाई निकाल लेंगे। इसमें हमारे 24 फंदे थे, 28 फंदे हैं। तब 28 के हम इसमें 2 साइडों में एक एक बनाते हैं, बीच के सभी फंदों को हम एक का दो कर लेते हैं, वे पूरी लाइन कर लेते हैं। अब हमने इसमें सभी फंदों को एक का दो कर लिया। शुरू के पहला और लास्ट के फंदे को एक एक बनाते हैं, बीच के 26 फंदों को एक का दो कर लेते हैं। इस तरह हमारी सिलाई में 54 फंदे हो जाते हैं, 54। लेकिन हमको इस सिलाई में डिजाइन बनाने के लिए इसमें 62 फंदे चाहिए। इसके लिए अब हम इसमें 8 फंदे और बढ़ाएंगे, उल्टी सिलाई में भी। तो 8 फंदे हम कैसे भी बढ़ा लेते हैं इसमें। वो एक का दो करते हुए इसमें भी 8 फंदे बढ़ा लेंगे। पहले सिलाई में जैसे इसमें हमने एक का दो करके ये बढ़ा लिया, एक फंदा तो हमारा बढ़ गया। अब यहाँ पे हम दूसरा फंदा बढ़ा लेते हैं। इस तरह हम इसमें 8 फंदे बढ़ा लेंगे और 62 फंदे करके, 62 फंदे करके हम इसमें सिलाई को पूरा कर लेते हैं। हमने इसमें उल्टी सिलाई भी निकाल ली है और अब हमारी सिलाई में 62 फंदे हो जाते हैं। अब हम इसमें डिजाइन डालना शुरू करते हैं। डिजाइन हम गाजरे कलर की ऊन से डालेंगे जो हमारे दूसरे कलर की ऊन है। तो पहला फंदा तो हम सीधा ही बना लेते हैं, फिर सभी फंदों को हम सिलाई के ऊपर 2 बार ऊन करके, इस तरह 2 बार ऊन करके बनाएं। ऊन को इस तरह
एक बार और ये दो बार करके इस फंदे को हम उतार लेते हैं, एक दो, एक दो, इस तरह हम दो बार करके इस सिलाई को भी हम पूरा कर लेते हैं। अब हमने पूरी सिलाई निकाल ली है, हम इसमें पहला और लास्ट का फंदा होता है जिसको तो हम एक एक ही बनाते हैं, बीच के सभी फंदों के ऊपर उनको डबल करके बनाते हैं। पूरी सिलाई पूरी हो गई हमारी, अभी उल्टी सिलाई में आ गई। उल्टी सिलाई में हम पहला फंदा हमने एक बनाया था, इसको हम उल्टा बना लेंगे। उल्टा बनाने के बाद हम उनको पीछे ले जाएंगे, हमें फंदे सीधे बनाने। हम शुरू के तीन फंदे एक एक करके खोल लेते हैं, तीनों फंदों को खोलने के बाद वापस से हम इस सिलाई में डाल देते हैं। सिलाई में डालने के बाद जैसे हम सीधे फंदे बनाते हैं उसी तरह से हम तीनों फंदों का तीन के तीन फंदे बनाएंगे। तो पहला फंदा हमें इस तरह सिलाई में डालना है, फिर सीधा बनाना है, पहला सीधा बनाना है, फिर उनको हम पीछे लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर उनको आगे लेंगे, फिर हम तीसरा फंदा सीधा बनाएंगे। इस तरह हम तीन के तीन फंदे बना देंगे और इन फंदों को इधर से छोड़ देते हैं। आगे हम फिर वापस से तीन फंदे खोलेंगे, वापस इस सिलाई में डालेंगे, जिस तरह हम फंदा बनाते हैं उस तरह तीनों फंदों को एक साथ सिलाई में डाल के पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे, उनको पीछे लाएंगे, दूसरा फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर उनको आगे ले जाएंगे, फिर तीसरा फंदा हम सीधा बनाएंगे। इस तरह बनाने के बाद इन तीनों फंदों को छोड़ देते हैं। इस तरह हम तीन के तीन फंदे बनाते हैं। वापस से एक बार तीनों फंदों को हम खोल लेंगे इस तरह से, वापस अपनी सिलाई में डालेंगे, फिर जिस तरह फंदे बनाते हैं पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे, उनको पीछे करेंगे, फिर ये उल्टा बनाएंगे, आगे करेंगे और ये सीधा बनाएंगे। इस तरह हम पूरी सिलाई निकाल लेते हैं तीन तीन फंदों की, ये तीन फंदों की डिजाइन बनती है। फिर पहला फंदा हम सीधा बनाते हैं, दूसरा ऊन लेके आगे उल्टा बनाते हैं, फिर ऊन को आगे ले जाके हम सीधा बनाते हैं। इस तरह हमारी ये तीन तीन फंदों की डिजाइन बन जाएगी, तीन के तीन बना लेंगे। इस तरह हम ये पूरी सिलाई निकाल लेते हैं। वापस से हम लास्ट वाले फंदे पे आ गए, ये शुरू में हमने, अब लास्ट वाला फंदा हम तीन के तीन कर लिए हमने। अब लास्ट में हम ऊन को पीछे ला के लास्ट वाले फंदे को हम सीधा उल्टा बनाते हैं। शुरू का लास्ट का फंदा तो हमारा उल्टा बनता है, बीच के सभी फंदे हमारे तीन के तीन बनाएंगे, जो पहला फंदा हम सीधा बनाते हैं। इस तरह हमारा ये डिजाइन बन जाता है। अब हम इसमें दो सिलाई इसी कलर की उल्टी सीधी, पहली सिलाई सीधी निकाल लेंगे हम, और उसके बाद इसमें एक उल्टी सिलाई और निकाल लेते हैं, इसलिए मैं दोनों लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम इसमें उल्टी और सीधी दोनों सिलाई निकाल दी है। हम वापस से हम क्रीम कलर क्यों लेंगे, पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे। अब इसमें हमारे 62 फंदे थे, 62। अब इस क्रीम कलर की ऊन में हम इसमें 21 फंदे और बढ़ा लेंगे, तो कुल हमारे 83 फंदे हो जाएंगे, 83 फंदे हो जाएंगे। तीन बना लिए, फिर वही एक का दो कर लूँगी मैं, फिर इसके बाद मैं दो बना लेती हूँ, फिर एक का दो कर दूँगी। इस तरह हम इसमें 21 फंदे बढ़ा लेते हैं, कहीं हम दो, कहीं पे दो के बाद बढ़ा लेंगे, कहीं पे तीन के बाद। इस तरह इसमें हम 21 फंदे बढ़ा लेते हैं, हमको एक जगह नहीं बढ़ाने रहते, थोड़ी थोड़ी दूर पे दो या तीन फंदे बनाने के बाद हम इसमें फंदे बढ़ाते रहते हैं। मैं ये पूरी लाइन निकाल लेती हूँ। हमने पूरी सीधी सिलाई निकाल ली है, अब इसमें हमारे 83 फंदे हो गए, उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी निकलेगी। अब हमने इसमें उल्टी सिलाई भी निकाल ली है, इसमें हमारे अब 83 फंदे हो गए। इसमें तीन तीन की डिजाइन, तीन तीन फंदों की डिजाइन डलती है, इसलिए हम 3 के मल्टीपल में इसमें फंदे रखते हैं बीच में। पहला फंदा हम वही सीधा बनाएंगे एक फंदा, और सभी फंदों को ऊन को, बीच के सभी फंदों को ऊन को डबल करके बना लेंगे, जिस तरह हमने पहली रो में बनाया था। इस सिलाई को भी हम पूरा कर लेते हैं। पहला और लास्ट का फंदा होता है, इसको तो हम एक एक बनाना है, बीच के सभी फंदों को उनको डबल करके बनाना रहते हैं। इसमें हमने सीधी सिलाई निकाल ली, बीच के सभी फंदों को हमने ऊन को डबल करके बना लिया। पहला फंदा उल्टा बनाएंगे, उनको पीछे ले जाएंगे, पिछली डिजाइन की तरह शुरू के तीन फंदे खोलेंगे हम, वापस से सिलाई में लाएंगे, जिस तरह हम फंदा बनाते हैं उसी तरह पहला फंदा सीधा बनाएंगे,
ऊन को पीछे लाएंगे, दूसरा फंदा उल्टा बनाएंगे, ऊन को आगे ले जाएंगे और तीसरा फंदा सीधा बनाएंगे। इस तरह हमको तीन के तीन करना। वापस से एक बार तीन फंदे खोल लेते हैं, वापस से सिलाई में डालते हैं, फंदे बनाते हैं जिस तरह सिलाई को इसमें डालेंगे। पहला फंदा सीधा बनाते हैं, दूसरा ऊन को पीछे ला के उल्टा बनाते हैं, फिर ऊन को आगे ला के ये सीधा फंदा बनाते हैं। इस तरह हम हमारी ये दूसरी रो भी डाल देंगे। पूरी रो करने के बाद हम इसमें एक सीधी एक उल्टी सिलाई और निकाल लेते हैं और हमारी क्रीम कलर की लाइन पे हम आ जाएंगे। इसमें हमने सभी सिलाई निकाल ली है, तीन फंदों से तीन करके हमारी डिजाइन बना ली। इसके बाद एक सीधी एक उल्टी सिलाई निकाल के हम वापस से क्रीम कलर की लाइन पे आ गए। डिजाइन बनने के बाद कुछ हमारी इस तरह दिखाई देती। शुरू में हमारे 28 फंदे थे, 28 के हमने 62 कर लिए, 62 के बाद हमने डिजाइन बना ली। फिर यहाँ पे हमने 21 फंदे बढ़ा लिए, फिर हमारे यहाँ पे 83 हो गए। वापस से हम 21 बढ़ा लेंगे तो हमारे अभी ये कुल 104 फंदे हो जाएंगे। तो वापस से क्रीम कलर की ऊन से हम पहला फंदा सीधा, अब हम तीन फंदे बनाने के बाद एक फंदा एक का दो करके फंदे बढ़ा लेते हैं। इस लाइन में हमको 21 फंदे बढ़ाने हैं, तो एक तीन तीन फंदे बनाने के बाद उसके बाद हम एक एक फंदा एक का दो करते जाएंगे इस तरह पीछे से और आगे से। इस तरह हम इसमें अब 21 फंदे बढ़ा के ये लाइन भी पूरी कर लेते हैं। एक का दो करके हम ये इसमें 21 फंदे बढ़ा लेते हैं, एक साथ नहीं बढ़ाने रहते, एक एक दो दो फंदे बना के फिर बढ़ा लेते हैं और बीच में हम गिन लेते हैं। फिर हम क्रीम कलर की उल्टी सिलाई निकाल लेंगे। फिर हम सीधी सिलाई में सभी पहला और लास्ट के फंदा तो सिंगल बनाएंगे और बीच के सभी फंदों पे उनको डबल करके बनाएंगे। उल्टी सिलाई में फंदे खोल के तीन का तीन करके और फिर सीधी उल्टी करके ये पूरी एक 6 लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें हमने पांचों सिलाई निकाल ली है, इस तरह हमारी ये डिजाइन की तीन रो बन जाती है। अब हम इसमें ऊपर की तरफ लीप शेप की डिजाइन बनाएंगे। इसके लिए हमको इस डिजाइन के लिए हमने 3 के मल्टीपल के फंदे लिए थे, ऊपर की डिजाइन के लिए हमें 8 के मल्टीपल के फंदे चाहिए। अब हम इसमें बनाना शुरू करते हैं। शुरू में हम दो फंदे बनाते हैं, पहला फंदा हम बनाते हैं क्रीम कलर की ऊन से और दूसरा बनाते हैं हमारे गाजरे कलर की ऊन से। फिर इन्हीं फंदों को हम वापस टर्न कर लेंगे। अब इन दोनों फंदों को बना लेते हैं, क्रीम को क्रीम से और गाजरे को गाजरे। वापस से हम सीधी सिलाई में आ गए, क्रीम कलर की ऊन के फंदे को हम बिना बने उतार लेते हैं, गाजरे कलर के फंदे को हम बना लेते हैं एक। अब हर सीधी सिलाई में हमको इस वाली सिलाई से एक फंदा और लेना रहता है। इस तरह हमारे तीन फंदे में वापस से हम तीनों फंदों को उल्टा बना लेंगे। उल्टी सिलाई में तुमको क्रीम कलर के फंदे को बनाना रहता है, सीधी में नहीं बनाना रहता। बना लिया हमने, वापस से हम सीधी सिलाई में आ गए, क्रीम कलर के फंदे को उतारा, दो फंदे हमने गाजरे कलर के उनके बनाए। अब हमको एक फंदा और लेना है सिलाई में से। अब ये फंदा हम बनाएंगे क्रीम कलर का। इस तरह हमारे सिलाई में 4 फंदे हो गए। वापस उल्टा कर लेंगे चारों को हम, दोनों गाजरे कलर से बना लिए और ये लास्ट वाला क्रीम कलर की ऊन से बनते हैं। वापस से हम सीधी सिलाई में आ गए, क्रीम कलर का फंदा उतार लेंगे हम, दो फंदे हम गाजरे कलर की ऊन से बना लेंगे और तीसरा फंदा हमारा क्रीम कलर की ऊन का हम क्रीम कलर से बना लेंगे। अब हमें वापस से एक फंदा बढ़ाना है जो हम क्रीम कलर की ऊन से बढ़ रहे हैं। इस तरह हमारी सिलाई में 5 फंदे हुए। वापस उल्टी सिलाई में आ गए, दो फंदे हमने क्रीम के बनाए, दो गाजरिया से, लास्ट वाला भी हमारा क्रीम कलर का बना लिया। अब हमारे सिलाई वापस सीधी सिलाई में आ गए हम, हमारे में 5 फंदे हो गए। अब इस सिलाई में हमारे 6 फंदे हो जाएंगे। पहला फंदा हमने उतार लिया, ये गाजरे कलर की ऊन से बना लिए दो फंदे हमने। फिर हम क्रीम कलर की ऊन से आ गए, अब ये एक फंदा और लेना है सिलाई में से हमें, तो ये फंदा भी हम क्रीम कलर का ही बनाएंगे। वापस उल्टी सिलाई में आ गए, क्रीम कलर के तीनों क्रीम कलर के बना लेंगे। उल्टी सिलाई उल्टी निकलती है, सीधी सिलाई सीधी निकलती है। दोनों गाजरिया के बना लिए,
ये लास्ट वाला क्रीम का बना लिया। वापस से हम सीधी सिलाई में आ गए, क्रीम को उतार लेंगे, दोनों गाजरिया के बनाए, और जो हमने क्रीम कलर के तीन फंदे बनाए थे इनको भी गाजरिया से बना लेंगे। तीन बन गए हमारे। अब हम वापस से एक फंदा इसमें से लेना है दूसरी सिलाई में से, हमारे छः फंदे तो गए, हमारा सातवां फंदा हो गया। वापस उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकाल लेंगे हम, क्रीम कलर के फंदे को भी क्रीम कलर की ऊन से बना लेते हैं। और हमारी अगली सिलाई में आ गए हम, वापस से हम सीधी सिलाई में पहला फंदा उतार लेते हैं, सभी फंदे गाजरिया से बना लेते हैं। हमारी सिलाई में सात फंदे थे, अब हम इसमें से आठवां फंदा और ले लेते हैं, इस तरह हमारी ये डिज़ाइन पूरी हो जाएगी। आठ फंदे हो गए, वापस उल्टी सिलाई में आ गए हम, लास्ट का क्रीम का भी बना लेते हैं। अब हमारी ये पत्ती पूरी हो जाती है। अब इसे हम यहाँ से सभी फंदों को घटा देंगे। पहला फंदा हम बिना बना उतार लेते हैं, दूसरे फंदे को भी हम क्रीम कलर की ऊन से बनाते हैं, लेकिन गाजरिया ऊन को हम साथ में लेके चलते हैं। इस पिछले वाले फंदे को पहले वाले फंदे पे से उतार देते हैं, गाजरिया ऊन को हमको साथ में लेके चलना है लास्ट तक। अगला फंदा भी हम क्रीम कलर से बनाएंगे, इसको इसके ऊपर से उतार देते हैं। इस तरह हमारे तीन फंदे हो गए, चार, पांच, छः, ये सात, सात फंदे तुम्हारे इसमें से घट गए, आठवां फंदा ये रहता है हमारा। तो इस वाली सिलाई का एक फंदा और बना लेंगे क्रीम कलर की ऊन से, इस फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे। इस तरह हमारे आठ फंदे बन गए, तो हमारी इस तरह की ये पत्ती की शेप की डिज़ाइन बन जाती है। अब हम अगली पत्ती बनाएंगे, एक फंदा तुम्हारे क्रीम कलर का हो गया, एक हम अगला गाजरिया कलर की ऊन से लेंगे। हमने गाजरिया कलर की ऊन से बने, वापस से शुरू में पहली पत्ती के दो फंदे हो गए, इन दोनों का उल्टा बना लेंगे। पहला गाजरिया से बनाया, दूसरा हम क्रीम कलर की ऊन से बना लेंगे। सीधी सिलाई में आ गए वापस से हम, पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा हम गाजरिया कलर की ऊन से बनाएंगे। अब इसमें से एक फंदा और लेना है, अभी हमारे तीन फंदे हो गए, एक क्रीम का, दो गाजरिया के। वापस उल्टी सिलाई में आ गए हम, दोनों गाजरिया कलर के बना लेंगे, ये क्रीम कलर का बना लेंगे। वापस से सीधी सिलाई में आ गए, पहला फंदा उतारेंगे, दो गाजरिया के बनाएंगे, हमें एक फंदा और लेना है, तीन तो गए, चौथा लेंगे, चौथा फंदा हमें क्रीम कलर की ऊन से बनाना है। वापस से उल्टी सिलाई में आ गए, क्रीम को क्रीम से बनाएंगे, गाजरे को गाजरिया से बनाएंगे। वापस से सीधी सिलाई में आ गए, पहला फंदा उतार लेंगे, दो गाजरिया के बनाए हमने, एक हमारा क्रीम का। इस तरह चार फंदे तो हमारे पहले थे, अब एक फंदा उड़ लेंगे हम इसमें से, वो भी हम क्रीम कलर की ऊन कर लेंगे। इस तरह हमारे पांच फंदे हो गए। उल्टी सिलाई में सभी फंदों को बना लेंगे हम, जिस रंग की ऊन है उसी रंग से बना लेंगे। वापस से सीधी सिलाई में आ गए हम, पहला फंदा उतारेंगे, दो फंदे हम अपने गाजरे कलर की ऊन के बनाएंगे, दो फंदे हमारे क्रीम कलर की ऊन के, एक फंदा और बढ़ाना है हमें। सीधी सिलाई में हर बार एक फंदा बढ़ाना रहता है, और आठ फंदे होने के बाद हमें सभी फंदों को घटा देते हैं। अगला फंदा तो हमारे सिलाई में छः फंदे हो गए, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकाल लेंगे हम, दोनों गाजरिया से लास्ट वाला क्रीम कलर से बना लेते हैं। उल्टी सिलाई पूरी हो गई, अब हम वापस से सीधी सिलाई में आ गए। अब इस सिलाई में हमारे छः हो गए, अब सात हो जाएंगे। पहला फंदा हम उतार लेते हैं, हमें बाकी के सभी फंदे गाजरे कलर से बनाने रहते हैं। दो फंदे तो पहले के, तब ये तीन जो क्रीम है वो भी हम गाजरिया से बना लेते हैं। एक फंदा और बढ़ा लेते हैं, हमारे सात फंदे हो गए। इस
वापस से उल्टा कर लेंगे हम इसे, सभी फंदे उल्टे निकलेंगे, लास्ट का एक फंदा है जो क्रीम का निकलेगा। वापस से हम सीधी सिलाई में आ गए, पहला फंदा उतार लेते हैं हमारा, गाजरिया को गाजरिया से बना लेते हैं। हमारी सिलाई में 7 फंदे हैं, अब हम एक फंदा और ले लेंगे तो हमारे वापस से 8 फंदे हो जाएंगे। 8 फंदे हो गए अब हमारे, इसमें वापस से उल्टी सिलाई में आ गए हम, 8 फंदों को उल्टी सिलाई में उल्टा बना लेंगे हम। हमारी ये पत्ती भी पूरी हो जाती है। अब हम सभी फंदों को पिछले वाली पत्ती की तरह घटा देंगे, पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा गाजरे कलर के उनको साथ में लेके जाना रहता है, दूसरा फंदा भी क्रीम कलर से बनाएंगे, पहले फंदों को इसके ऊपर से उतार देंगे। अब अगला फंदा बनाएंगे, इस तरह हम 8 फंदों को घटा देते हैं। 7 फंदे तो हमारे पत्ती पे कट जाते हैं, 8वां फंदा हमें दूसरी सिलाई में से लेना रहता है। ये हमारे 6 फंदे घट गए, लास्ट वाला 7वां आ गया हमारा। ये इस वाली पत्ती में से हम लेंगे 8वां फंदा, ये इसमें से हम घटा देंगे, वापस से हम अपने एक क्रीम कलर के फंदे पे आ गए। इस तरह हमारी ये 2 पत्तियां बन गई। अब हम इसमें पूरे घेरे में पत्तियां बना लेंगे। अब हमने इस पोशाक में सभी पत्तियां बना ली हैं और हमारी पोशाक कुछ इस तरह से बन जाती है। हम गाजरे उनको काट लेंगे, हम इसको यहाँ से सिलेंगे। सिलने के लिए उनको हम सुई में डाल लेते हैं, इस तरह इसको उल्टा करके जहाँ से हमारी दोनों डिजाइनें शुरू होती हैं वहीं से हम इसको सिलना शुरू करेंगे। पहले हम यहाँ से इसको हल्का सा पत्ती पे से सिल देते हैं, दोनों डिजाइनों को एक साथ सिलना रहता है हमें। तो हम उसको यहाँ से सिलते हुए ऊपर तक हम सिल लाते हैं, तो एक तरफ से इधर सिलेंगे, एक तरफ इधर लेंगे, इस तरह हम इसको यहाँ ऊपर तक सिल लेते हैं। सिलने के बाद हमारी पोशाक कुछ इस तरह से बन जाती है। अभी हमारी पोशाक पूरी हो गई है, हम चाहे तो इसे इसी तरह भी रख सकते हैं या फिर इसे मोतियों से डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो अब हम इसे मोतियों से डेकोरेट करते हैं। सबसे पहले सुई में हम ऊन को डाल लेते हैं, लास्ट वाले यहाँ पे हम नोट लगा लेते हैं। नोट लगाने के बाद हम जो हमारी डिज़ाइन बनती है उसमें जो गोले से बनते हैं इनमें एक एक में हम मोती लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे पहले वाले गोले में मोती ले लेते हैं। सुई को निकाली हमने, एक मोती को डालेंगे हम इसमें और इस गोले के अंदर ही मोती को लगाते हैं। यहाँ पे डाल के हम यहीं पे एक छोटी सी नोट लगा देते हैं, इस तरह वापस से इसको निकाल लेते हैं। इस तरह यहाँ पे एक नोट भी लग जाती है और हमारा मोती भी इस तरह इसमें लग जाता है। अब अगले वाले में ना लगा के इससे अगले में लगाएंगे, तो हम इसमें से यहाँ से सुई को अगले वाले में ले जाते हैं। इस तरह हमारी अगले वाले में सुई चली गई। यहाँ पर भी हम एक इस तरह नोट लगा लेंगे, यहाँ पर इसमें एक मोती को फिर से डाल लेंगे हम। वापस से इधर एक नोट और लगा देंगे, इस तरह हमारे सभी मोती लगा लेंगे एक छोड़ के एक, सभी में एक, और सेकंड रो में भी इसी तरह लगा लेंगे, थर्ड रो में, इस तरह हम सभी जगह इस तरह से मोती लगा लेते हैं। इस तरह इस पोशाक में हमने सभी जगह अब मोती लगा लिए। बनने के बाद हमारी कुछ तरह इस तरह बन गई है अभी। अब हम इसके यहाँ पत्तियों के किनारे पे भी एक एक बड़ा मोती लगाएंगे। सबसे पहले हम पीछे की तरफ से इस तरह नोट लगा लेते हैं और इसके बिल्कुल किनारे पे आ जाते हैं, थोड़ा मोटा मोती लेते हैं बिल्कुल इसके किनारे पे लाके, इस तरह यहाँ पे हम डबल नोट लगा सकते हैं, इस
फिर हम डबल नॉट लगा के उनको यहाँ से हम कट कर लेंगे। फिर हम सभी पत्तियों के कोने के ऊपर एक एक मोती और लगा लेते हैं। इसमें हमने सभी जगह मोती लगा लिए। बनने के बाद कुछ इस तरह की हमारी ये बन जाती है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।